खतरे से भरपूर वाली एरिया है। अतिक्रमण के तहत जो भी कार्य चल रहा है तो लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए ईंट भी नीचे गिर रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। तो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग दिखाया था जिसमें मैं था कुसुमखेड़ा ऊंचा पुल वाली एरिया में, और मैंने एक बिल्डिंग का कार्य दिखाया था आप लोगों को जिसमें बड़ी बिल्डिंग टूट रही है रोड अतिक्रमण के तहत। तो आज मैं फिर से वही वाली लोकेशन में आ गया हूँ। ये देखिए, ये मेरे पीछे की लोकेशन देख सकते हैं आप लोग। ये रोड जा रही है ब्लॉक को, और ये रोड वैसे तो कालाडुंगी रोड है ये, और ये इधर को ब्लॉक को जा रही है, और इधर साइड से हमारी ये मुखानी होते हुए जाती है ये रोड मार्केट को। तो चलिए हम आगे को जाते हैं। और देखिए अभी कार्य के उससे यहाँ पे पूरी रोड इतनी चौड़ी होने वाली है। देखिए कुछ टाइम बाद ये रोड बहुत चौड़ी हो जाएगी। और ये जो बिल्डिंग है पिंक कलर की बिल्डिंग जो मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले दिखाई थी, ये देखिए अभी करीब ऊपर का फ्लोर टूट गया है। तो 10-15 दिन मेरे को हो गए थे यहाँ आए हुए, मैंने यहाँ का वीडियो 10-15 दिन पहले बनाया था। तो मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है इधर की प्रोग्रेस। तो देखिए काम चल रहा है ऊपर, तो कितनी कठिनाइयों से ये बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। तो बहुत मुश्किल है ये कार्य और लंबा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ट्रैफिक वाली रोड है। धीरे धीरे लेबर, हल्के फुल्के लेबर लगा के ही तोड़ा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो मैं थोड़ा और आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ ये रोड का व्यू। देखिए ये है हमारी ऊंचा पुल, पीली कोठी वाली एरिया, इससे ऊपर को ऊंचा पुल आता है। तो देखिए जो ऊंची पुलिया ऐसी दिख रही है वो एरिया ऊंचा पुल वाली है। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। देखिए ऊपर से रोड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं, और ये पिंक कलर की बिल्डिंग है, इसमें कार्य चल रहा है अभी, देख सकते हैं आप लोग। अभी वहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगा रखी है और पूरा ग्रीन पर्दा लगा रखा है ताकि कोई इधर जा ना पाए। और इतना करीब डिस्ट्रक्शन हो गया है, इतना टूट गई है पूरी ईट ईट। यहाँ पे गन्ने की शॉप भी है, जय माता दी, ताज़ा गन्ने का रस। तो भैया नमस्कार, कब से चल रही है बिल्डिंग का कार्य? एक डेढ़ महीना। अभी तो इसमें करीब 2-3 महीना तो लग ही जाएगा, लगभग एक आध महीना। बिल्डिंग भी तो बहुत बड़ी है, इसकी पूरी जा रही है बिल्डिंग पूरी, तो उतना ये पूरा चौराहा क्लियर करने के आदेश है शायद ना। अच्छा तो धन्यवाद। साथ में फल फ्रूट का ठेला भी है इधर पे। और ये देखिए बाकी लोकेशन, पूरी बिल्डिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और करीब इतना एरिया यहाँ भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक चाय का स्टॉल है, छोटा सा पान का स्टॉल है। और ये देखिए यहाँ का व्यू, करीब पूरी ईट ईट जितना भी इसका बिल्डिंग का मलवा है तोड़ के इधर डाला है। अच्छा खासा मटेरियल है इस बिल्डिंग में, अच्छा खासा मलवा है निकलेगा इससे, क्योंकि देखिए उतनी ज़्यादा ईंटों से ये बिल्डिंग बनी है, नीचे से ऊपर तक पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए करीब एक फ्लोर में चार चार तो विंडो ही है इसमें, और 5-6 मंजिला इमारत है ये, और बड़ी कठिनाइयों से ये तोड़ी जा रही है ऊपर। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए तो लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए ईंट भी नीचे गिर रही है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में प्यार बरसाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। ये देखिए लाइव अतिक्रमण के तहत जो भी कार्य चल रहा है अभी, बिल्डिंग वाले खुद तोड़वा रहे हैं इसे, क्योंकि इतनी रस वाली एरिया है, यहाँ सीधे ऐसे तोड़ना तो संभव नहीं, क्योंकि ट्रैफिक पूरा चलता है इस रोड में। देखिए दिन रात का ट्रैफिक रहता है इस रोड में। तो धीरे धीरे ही करीब एक डेढ़ महीना भैया से बात करी हमने, उन्होंने बताया लग जाएगा इस बिल्डिंग को तोड़ने में। देखिए अच्छा धन्यवाद। तो भैया ऊपर से, भैया एक बार हाथ दिला दो। हाँ तो भैया कार्य कर रहे हैं उधर, भैया ने भी कहा ब्लॉग बढ़िया बन रहा है। देखिए अब मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, आगे जाना थोड़ा रिस्की भी है। और यहाँ पे भैया का गन्ने का कार्य चल रहा है। नमस्कार भैया, कैसे हो, क्या नाम है आपका, शुभ नेम? सुरेश साहू जी से हमारी बात हो रही है। ये देखिए तो गन्ने छिले जा रहे हैं, जो वो गन्ने के जूस वाले भैया से मैंने बात कराई, आप उन्हीं के साथ के हो गए? अच्छा अच्छा धन्यवाद। ये देखिए बिल्डिंग का पूरा कार्य,
आगे तो मैं जाऊंगा नहीं, आगे रिस्की है, जान माल का खतरा है, तो आपको यहीं से मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मलबा निकल गया है इधर पे। हल्द्वानी की ऊंचा बुलवारी एरिया में हूँ मैं अभी, और सामने देखिए बीकानेर स्ट्रीट। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ। उस दिन मैंने जो बिल्डिंग दिखाई थी आप लोगों को पिंक कलर की, एक मंजिल अभी उसका टूटने वाला है, तो थोड़ा और आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। पूरा यहाँ पे ग्रीन कलर की वो लगी है, पर्दा लगा है, ताकि कोई भी इस एरिया को क्रॉस ना कर पाए। खतरे से भरपूर वाली एरिया है। देखिए यहाँ पे तो करीब एक मंजिल टूट चुकी है, टूटने ही वाली है। ऊपर का फ्लोर पूरा तहस तहस हो गया है, और पूरी बिल्डिंग आनी है। ये देखिए पूरा करीब 6-7 फीट तक पूरा कवर कर रखा है चारों साइड से, ताकि किसी को कोई नुकसान ना झेलना पड़े। और ये इधर की मेन रोड ट्रैफिक भी चल रहा है अभी। यहाँ पे देखिए नैनीताल पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरी प्रोग्रेस दिखाई बिल्डिंग में, जहाँ मैं पहले आया था पिंक कलर की बिल्डिंग कितनी टूट गई है, अभी पूरी टूटने वाली है। आगे भी मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा, दिखाते रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फैला दीजिए। तो अभी के लिए गुड बाय, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।